ये है कोआला, दुनिया की सबसे शांतिप्रिय जानवर में से एक। कोआला फैस्कोला टीटी परिवार का एक जीव है और इसका पड़ोसी परिवार है वॉम्बैट, जिसकी वजह से कोआला और कोआला भालू को हम एक ही जीव सोचते हैं, जो पूरा ही गलत है। कोआला शाकाहारी जीव है, मतलब ये घास पत्ते के अलावा और कुछ नहीं खाते। कोआला सबसे ज्यादा यूकेलिप्टस के पत्ते खाते हैं। जंगल में कोआला 13 से 18 साल तक जिंदा रहते हैं और एक बड़ा कोआला की वजन होता है 400 से 415 केजी तक। कोआला के कान देखने में गोल होते हैं और ये टेडी बियर जैसा खूबसूरत होते हैं, लेकिन कोआला और टेडी बियर दोनों ही बहुत अलग है। कोआला स्तनधारी जीव है, यानी कि ये माँ की दूध पीकर बड़ा होते हैं और ये मार्सुपियल नाम का थैली वाले जीव के अंदर शामिल होते हैं। मार्सुपियल का मतलब होते हैं जो सब जीव अपने बच्चे को कैंगरू की तरह थैली के अंदर पालते हैं। कोआला देखने में बड़ा ही सॉफ्ट है, लेकिन इसका चमड़िया भेड़ियों की तरह मोटे होते हैं। कोआला के कान और पूंछ दोनों ही गोल होते हैं। कोआला की पूंछ बहुत ही छोटा है। इसका बैकबोन, मतलब इसका कमर का जो हड्डियां होते हैं, वो टेढ़ा होते हैं, ये कभी सीधा नहीं होता। कोआला के हाथ और पैर की चमड़ा बहुत ढीला है, जिसकी वजह से इसे पेट में झूलना काफी आसान होता है। पेट की छाल छेड़ने के लिए इसका मजबूत नाखून भी होता है, लेकिन इसका पैर में कोई नाखून नहीं होता। कोआला के पैर का बनवट कुछ ऐसा है जिसे यह अपने हाथ की तरह पैर से भी कुछ भी पकड़ सकते हैं, और इसकी मदद से ये यूकेलिप्टस की 150 फीट ऊपर तक भी चढ़ने की क्षमता रखते हैं। कोआला दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, जहां पर मौजूद है दुनिया की सबसे बड़ा यूकेलिप्टस वन। कोआला पेड़ में रहते हैं और यूकेलिप्टस इनका घर है। कोआला की जिंदगी ज्यादातर समय पेड़ में काटते हैं और ये मिट्टी में बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि मिट्टी में रहना इसके लिए मुसीबत की बात है। कोआला मिट्टी पे आने से ये आसानी से दोस्तों का शिकार बन जाते हैं, इसीलिए कोआला पेड़ में खाता भी है और सोता भी है। कोआला को एक पेड़ से दूसरा पेड़ में जाने के लिए मिट्टी में आना पड़ता है, और कभी कभी ये एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के लिए ये मिट्टी में आते हैं। कोआला शांतिप्रिय जीव है, जिसकी वजह से इसे खाना हजम करने के लिए लंबे समय तक सोना पड़ते हैं। गर्मी का मौसम में कोआला पेड़ की छाया और नीचे वाले शाखों पर रहते हैं, और ठंडी के मौसम में ये पेड़ का सबसे ऊंचाई पे सूरज की रोशनी में रहते हैं। कोआला को साधारण बीमारी नहीं होते और प्रकृति में इसके शिकारी भी कम है। लेकिन कभी कभी छोटा कोआला बड़ा उल्लू के शिकार बनते हैं। ज्यादातर कोआला की अननेचुरल डेथ होता है कुत्ते और कार एक्सीडेंट की वजह से। कोआला जब मिट्टी पे आता है दूसरा कोई पेड़ पे जाने के लिए या फिर नया एरिया में जाने के लिए, तब ये कुत्ते का शिकार बनते हैं। और कोआला बहुत ही सोलो होने की वजह से ये अपना ख्याल भी नहीं रख पाते, और ज्यादा सोलो होने की वजह से रोड क्रॉस करने के समय पर कोआला ज्यादातर एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। फीमेल कोआला के पेट का नीचे थैली रहता है, जिसमें ये अपने बच्चे पालते हैं। जो गर्भवती कोआला बच्चे पालते हैं उसे कहा जाता है जोई। कोआला की थैली कैंगरू की तरह होते हैं, लेकिन कोआला की थैली कैंगरू की जैसा ऊपर से नहीं खोलते, इसका थोली पैर का पीछे वाले दिख से खोलते हैं। जब कोआला के बच्चे के जन्म होते हैं, तब ये दिखने में एक बड़ा जेली बीन जैसा होते हैं। नया जन्म हुआ कोआला के बच्चे को कहा जाता है जोई। जोई इतना छोटा जन्म होते हैं जो ये देख और सुन भी नहीं पाते।
गोई के जन्म होने के बाद ये माँ के पायु से निकलकर थैली के अंदर चले आते हैं और यहाँ पर ये माँ के दूध पीकर बड़ा होते हैं। गोई जन्म होने के बाद 6 महीने तक थैली के अंदर रहते हैं और यहाँ पर धीरे धीरे बड़ा होते हैं। 6 महीने बाद छोटा जोई खाने के लिए बाहर आते हैं और फिर सोने के लिए और छुपने के लिए माँ की थैली के अंदर चले जाते हैं। जोई का उम्र 1 साल होने के बाद ये खुद अपने आप अकेला चल सकते हैं। कोआला को पाला नहीं जाता क्योंकि कोआला के लिए सबसे जरूरी चीज होता है यूकेलिप्टस। और दुनिया की सबसे बड़ा यूकेलिप्टस की वन है ऑस्ट्रेलिया में, जिसकी वजह से ज्यादातर कोआला ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। लेकिन सैन डिएगो में भी कोआला के लिए अच्छे खासे प्रकृति है क्योंकि कोआला के लिए यहाँ पर हर दिन यूकेलिप्टस की पेड़ लगाया जा रही है। इसीलिए 1950 में ऑस्ट्रेलिया ने सैन डिएगो को 2 कोआला गिफ्ट किया था। इसका नाम था मै गिब्स और स्नुगल पॉट। उसके बाद अगले 34 साल तक ये दोनों जिंदा रहे थे, लेकिन तब यहाँ पर कोई नया बच्चे की जन्म नहीं हुआ था। पर मजे की बात तो ये है 1960 में यहाँ पर पहली कोआला की जन्म हुआ था, जिसका वजह से सैन डिएगो को एक्वेरियम एसोसिएशन एडवर्ड बिन अवार्ड मिला था। और अजीब बात तो ये है 1960 से 1968 के अंदर 12 कोआला की जन्म हुआ था, लेकिन 1976 में एक दिक्कत हो जाता है। 1976 में मेल टेरी मर जाता है और तब ऑस्ट्रेलिया से भी हर तरह की जीव एक्सपोर्ट करना पूरी तरह से मना था। लेकिन इसका 2 साल बाद ऑस्ट्रेलिया ने फिर से सैन डिएगो को 2 मेल कोआला और 4 फीमेल कोआला गिफ्ट किया था। और ये सब का नाम था ऑल्टन जिंग, कॉप ड्रॉफ, मल्टीडो, एड्रे, पेप्सी और कोक। अब सैन डिएगो में लगभग 50 के ऊपर कोआला है। ऑस्ट्रेलिया के एक्सटेंशन एनिमल के अंदर कोआला नंबर 1 पोजीशन पे है। इनका बचना और अपना वंशज को बचाए रखना अब थोड़ा मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड में कुछ कोआला मौजूद है, लेकिन इसका उत्तरी दिशा में कोआला की संख्या लगभग ना के बराबर है। यहाँ पर हर दिन कोआला की संख्या कम होते जा रही है। कोआला के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है यूकेलिप्टस, जिसका साथ साथ कोआला भी खत्म हो रहा है। लेकिन इसके अलावा कोआला की संख्या अचानक कम होने की एक और वजह है, हम इंसान। आपको यकीन नहीं होगा 1919 से 1924 साल के अंदर लगभग 8 मिलियन कोआला को हत्या किया गए थे और हमने ये घिनौने काम किए थे इसका पॉकेट ऑयल चमड़ी के लिए। आज के समय पर कोआला खत्म हो रहा है इसका घर और खाना कम होने की वजह से। इसके अलावा कोआला खुद का ख्याल भी खुद नहीं रख सकते और ये अपना हिफाजत भी नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हर दिन कोआला कम होते जा रहे हैं। अगर हम इसके बारे में थोड़ा केयर करें तो शायद इसे बचाया जा सकते हैं, वरना हमारे अगली पीढ़ी को कोआला के नाम भी याद नहीं रहेगा। अगले दिन हम फिर मिलेंगे नया कोई जानवर के साथ। तब तक के लिए प्यार में रहिए हमारे और प्रकृति के साथ।